ये देखो यहाँ से एंट्री, अगर मैं सीधा जाता तो मुझे यहीं धर दा पहुँचते अभी, और आज गरम गरम बाइक पे बैठे तो क्या चलेगा। ठीक है सोलो भी चले जाए, बस ये होता है कि सोलो का एक पंख है, गिर जाए तो उठाने वाला कोई नहीं। ये ज़्यादा चोटी लगती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गर्मी ने तो बैंड बजाई हुई है, बाहर निकलने लायक नहीं है, बाहर निकलते हीट वेव लग जाती है मुँह पे, तो बुरा हाल है यार गर्मी का, क्या कहना। सीजन भी तो गर्मी, देखो उसकी चैन की हालत है यार, इसलिए मैं इसको नहीं चला रहा था। चैन पॉकेट जा चुका है इसका, कितना फ्लो आ जाए देखो, कितना फ्री फ्लो आ चुका है। और इसके टीथ, टीथ दिख रहे हैं, दिख जा भाई दिख जा, फोकस कर ले। ये टीथ भी बिल्कुल तीखे होने चाहिए थे ना, प्लेन हो चुके हैं। तो एक ये टायर तो इसका ख़त्म है ही है, वो भी चेंज करवाना है। और पेड़ होने का नुकसान, फ़ायदा तो ये है, नुकसान ये है कि इतना सारा पत्ता रोज का इकट्ठा हो जाता है। पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कल, ये देखो छोटा सा ये जल गया। और ये भी दिखाना भूल गया था, ये देखो जब वोट डाला था ना इलेक्शन का, तो फिर ये उसी की निशानी है, कल तो मुझे याद ही नहीं रहा दिखाने। और ये जला हुआ, ये इलेक्शन का निशान, इलेक्शन में वोट डाला था, दोनों देख लो। और ये गर्मी से देखो कुछ ऐसी हालत हो गई यार मेरे पौधों की भी, ख़त्म ये भी ख़त्म हीट वेव के कारण, ये भी ये देखो कितना बुरा हाल है। देखिए ये पौधे हैं, ये तो बिल्कुल मर ही गया था, इसमें से देखो फूल सारे झड़ गए, सारे ख़त्म हो चुके, पर ये पौधा फिर से उगाया ये अच्छी बात है। ये तो ख़त्म ही हो गया, आलू का फूल लगना था, ये आलू ही हो गया। ये भी अभी बचा हुआ है, ये सारे खिल रहे हैं अभी धीरे धीरे। ये सब तो होना ही था ना यार गर्मी के, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट वेव चलती हैं, इसीलिए तो नॉर्मल ही है ये। वैसे सारे पौधे बिल्कुल मर गए थे, ब्राउन हो गए थे, इनकी तरह जैसे ये हो रखे हैं ना इनकी तरह, पर अब दोबारा खिल चुके हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता रहेगा वो खिलते रहेंगे। और ये रहे हमारे दो शैतान, खाना चाहिए इसको, टाइम हो गया दोपहर टाइम के लिए, तो खाने के टाइम के लिए पक्का है ये, इनका ही बुरा हाल है गर्मी से, है ना। आवाज लगा रहा है अंदर, आज कह रहा क्या गर्मी है क्या हीट वेव है। मैं कह भाई ये गर्मी नहीं है ना, ये गर्मी नहीं है भाई, गर्मी तो पहले हुआ करती थी, अब ये शैतान का दूसरा नाम है गर्मी। पहले शैतान का दूसरा नाम क्राइम मास्टर गोगो था, पर अब गर्मी है भाई, क्या हीट वेव चल रही है यार। जब तक बाइक चल रही है ना, हवा लग रही है, तब तक ऐसा लगता है ठीक है, हवा मिक्स हो रही है ना तो हवा लगती रहती है, पसीने आते हैं तो ठंडा लगता है हल्का बहुत, पर जैसी बाइक खड़ी हो जाए कहीं पे 10-20 सेकंड के लिए भी, ऐसा लगता है यार क्यों खड़े हो गए, एकदम धूप स्किन को जलाना स्टार्ट कर देता है। तभी आजकल निकलने से पहले पूरा तामझाम करके निकलना पड़ रहा है, पहले हाथों पे पहनो स्लीव्स पे, सर पे बंडाना पहनो, हेलमेट पहनो, पहले इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होती थी, पर अब करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा है भाई। सांड भाई कहाँ घूम रहे हो बीच रोड में, और हमारी साइड देखो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और आज मैं न्यूज़ देख रहा था, कोलकाता में फ्लड आ गया भाई, कोलकाता में फ्लड आ गए, NDRF को लगाना पड़ गया है, 14-14, 20-20 टीमें NDRF की वहाँ पर काम कर रही हैं। अरे यार सोमवार का भी असर होता है क्या इन पे, अब क्या किया जाए। आज तो मंडे है ना यार, ये बात तुम मंडे तो ठीक है, पर मेरे को नहीं पता था कि टायर वाले भी बंद होंगे। वैसे तो पूरा मार्केट ही बंद पड़ा है, वरना यहाँ काम चल रहा होता है। और कल जल्दबाजी में ना मेरी GoPro की बैटरी मैंने इसके बैग में रखी हुई थी, इसने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर बैटरी इसके साथ ही इसके घर चली गई। चलो कोई नहीं, अब बाद में ले आएगा। इस बैटरी का जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका एक प्रॉब्लम है, ये हैंग मार जाती है यार बीच में। ये वो वाली बैटरी है जो मैंने आफ्टर मार्केट बाहर से शॉप से खरीदी थी, है तो GoPro की ऑफिशियल, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि हैंग मार जाता है GoPro इसमें कभी कभार।
या फिर कई बार ना फ्रेम स्किप फ्रेम स्टक हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही होगी पर फ्रेम स्टक होगा और वहाँ अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही होगी, इसीलिए वो वाली बैटरी चलेगी इसके साथ। हाँ चलो अब कभी ले आएगा, इतनी गर्मी है ना भाई, भगवान बारिश करवा दो बारिश करवा दो, यहाँ इतनी गर्मी है बारिश नहीं हो रही है। और अभी न्यूज़ आ रहा है कि रोहतांग पास ही नहीं खुला है मनाली के बाद का जो पास है। अगर पहाड़ों पे ही हीट वेव चलने लग जाए ना तब कहते हैं कि हाँ गर्मी हद से ज़्यादा हो गई है, और अभी सेम हाल है कि आप ये सोच सकते हो गाड़ियाँ नॉर्मल सी चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है और हीटिंग के कारण बंद हो रही है। क्या होगा यार आगे क्या होगा, और उससे आगे हिल स्टेशन का यह हाल है कि बारिश हो रही है, बहुत दबा के बारिश हो रही है, मनाली साइड हल्के हल्के पैचेस पे बारिश हो रही है। अरे मेरा फ्रेंड जैसे मैंने बताया, एक फ्रेंड तो नहीं मेरा जूनियर, मेरा फ्रेंड गए हुए मनाली, तो वो लोग जब स्टोरी डालते हैं और मैं स्टोरीज देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वहाँ तो बारिश हो रही है। अभी बलाना में आ गया, अरे मैं इधर सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, मेरे को इसीलिए नवा लग रहा है सारा एरिया। इस साइड सारे आर्मी फोर्स वाले और एयर विंग्स वाले यानी कि एयरफोर्स वाले हैं, काफ़ी कम काफ़ी ज़्यादा कम, सॉरी हॉर्न भी नहीं मारना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी साइड है, फर्स्ट टाइम मैं तब आया था जब हम लोग शिमला जा रहे थे और हमने रेनकोट वगैरह परचेस करना था। हाँ बिल्कुल राइट है ना, इस साइड को है दुकान, ये देखो सामने है ना, वेलकम टू 12th विंग एयरफोर्स चंडीगढ़। ये देखो यहाँ से एंट्री, अगर मैं सीधा जाता हूँ मुझे यहीं धर दा पहुँचते अभी। हाई सिक्योरिटी, और इस साइड है दुकान ने सब मिलेगा। कहाँ पे रोकने बता भाई, मेरे को कंप्लीट ही नहीं। A few moments later, और मेरे पीछे बैठा आकाश, मेरे पीछे आकाश बैठा कह रहा है इनको हॉर्न मारना है, जोर से मारे सुनाई नहीं देते इन लोगों को। यहाँ पे थोड़े अलग किस्म के ड्राइवर आते हैं, सही बात है यार, यहाँ पे बेचारे ये देखो कैसे काम करते भाई इस धूप में भी ओपन में, तो यही है ना यार, करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होएगा। अब एक बार ये वाला फ्लावर खुल जाए ना फिर लोग दिखेंगे नहीं, गोली मारे गोली, और कई सारे तो अपना संडे रूट भी चेंज कर देंगे, संडे राइड का इसी साइड आया करेंगे, ओपन रास्ते खुले डुल्ले। ओ भाई ये भीड़, एक तो ये गर्मी ऊपर से ये ट्रैफिक, यहाँ भी जाम देखने को मिल रहा है। अभी फटाफट अभी तो ऐसा हो रहा है फटाफट डिकैथलॉन में घुसो एयर कंडीशनर ठंडा ठंडा, बाहर तो हिम्मत नहीं हो रही भाई रुकने की। मेरे तो सही बताओ आँखें जल रही है, यहीं सस्ती कैंपिंग कर ले गए यहीं पे रात को सोने के लिए यहीं पर। हाँ भैया अंदर ही खड़ाएंगे, हम नहीं चाहते कल अंगूठा जला, आज कुछ और जल जाए। आकाश कल तो बाइक पे हाथ रखने पे अंगूठा जल गया, और आज गरम गरम बाइक पे बैठे तो क्या जलेगा और वहाँ फुग्गा उठे ये सहन नहीं हो पाएगा। एयरबैग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखे जरा हाइट, हाँ क्योंकि इसका आगे से कुछ पोर्शन छोटा है ना। ये ज़्यादा चौड़ी लगती है, ये पीछे से स्लिम है ना। चलो फटाफट चलो भाई, हैं ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस है पर उसका टायर मोटा है ना यार, काफ़ी बड़ा टायर है इसका इसके कंपैरेटिवली। कह रहा है लिफ्ट चल क्यों नहीं रही कमांड दे दी उसे, एक फ्लोर से लिफ्ट में आ रही हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा था बाहर आने का क्योंकि अंदर काफ़ी ठंडा था और बाहर बहुत गर्मी, सभी चलते हैं एक एक
एक एक तो नहीं, हाँ एक एक तो ये फेस मास्क खरीदा है, मंकी कैप बोलते हैं शायद विंटर का। तो अभी जब हम जाने वाले हैं तो वहाँ विंटर भी होगी और बाद में विंटर आ ही जाएगी, अब 3 से 4 महीने बाद तभी भी काम आ जाएगा। और एक रेनकोट खरीदा भाई ने, बस आधी घंटा टाइम वेस्ट करके ये सब किया हमने, इसको कहीं फेंक दे। वो ठंड तो 100% होनी है बट बारिश लगी हुई है। मेरे पास तो ऑलरेडी रेनकोट है जो मैंने लास्ट ईयर परचेस किया हुआ था, पर इसने भाई हमारे सामने 2 रेनकोट खरीदे, दोनों फाड़ दिए, फाड़े नहीं फट गए थे, तो इसे एक रेनकोट चाहिए ही था। निकलते हैं यार भाई, अगर ऐसे में हम बस के सामने या ट्रक के साइड में, बस के साइड में खड़े हो जाए ना, रोस्टेड रोस्ट हो जाएंगे पूरा। और जैसे मैं बताया, जैसे दिन नज़दीक आ रहे वैसे वैसे लोगों का भी साथ छूटता जा रहा है। लड़के धीरे धीरे मना कर रहे कि हमने नहीं जाना, प्रॉब्लम्स आती जा रही है। जैसे कि एक भाई, जैसे मैंने बताया, शामिल ने मना कर दिया है जाने से। अब हम 6 पहले 6 थे, ठीक है, शामिल नहीं जा रहा तो उसका फ्रेंड भी नहीं जा रहा, अब हम 4 रह गए। 4 में से देखो अब लास्ट टाइम तक क्या बनता है। जैसे वैसे तो ये देखो यूनिवर्सल तो होता है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते रहते हैं ना वैसे वैसे लोगों का मूड भी स्विंग होता रहता है कि ये करे कि ना करे, वो करे कि ना करे। तो काफ़ी सारे लोग जैसे ट्रिप को, जैसे ये तो पहले से होता आ रहा है, अगर स्टार्टिंग में 10 होंगे तो आखिरी दिन तक 4 या 5 ही बचेंगे जो जाने वाले होंगे, ये तो होता ही रहता है। पर यह है कि थोड़ा सा अजीब फिर बुरा तो लगता ही है, क्योंकि अगर हम 6 लोग जाते तो फिर हमारी 4 बाइकें होती, लोग भी ज़्यादा होते, रास्ते में मस्ती मजाक भी ज़्यादा होता, एंजॉय करते हुए जाते। पर अब लोग कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, जितने भी जाएंगे तो एंजॉय करते हुए जाएंगे यार। मैं तो देख सोलो भी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं कि सोलो भी चले जाए, बस ये होता है कि सोलो का एक पंग है, गिर जाए तो उठाने वाला कोई नहीं होता तुम्हें अकेले सर्वाइव करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो टीम हो, एक यार दोस्तों ग्रुप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक गर्मी का एक और नुकसान हो गया, अयोध्या से दोस्त आया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिनके साथ हम शिव ढाक भी गए थे। मैंने भाई को पहले ही बोला था अगर तू आएगा ना तो गर्मियों में मत आइयो यार, या तो तू अगस्त के बाद आ, ठीक है, या तो तू ये अप्रैल से पहले पहले आ, मार्च में आ जा, मार्च एंडिंग में आ जा। पर वो आया इस टाइम पे है, इतनी ज़्यादा गर्मी है अरे, मई के एंड में आया हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, दोपहर में निकलना मुश्किल है भाई। हम तो खुद ही हम नहीं निकलते यार बाइक पे इस टाइम तो, पर ये मजबूरी है। अभी जैसे मेरे पास सिर्फ 5 बजे तक का ही टाइम था, 5 बजे के बाद मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना था, मेरे पास सिर्फ 5 बजे तक का टाइम था, और इन बिटवीन इसको भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था। मैं कहा चलो फिर, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, कहीं चलना चल ले, मैं कहा इसी बहाने टायर भी पता कर लेंगे और जो भी रेनकोट वगैरह है जो भी हमने लेना है वो कुछ और सामान भी देख लेंगे, क्योंकि ये आ गया था 2 बजे करीब, तो 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में 3 घंटे का फ़र्क था, 3 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए निकल गए थे। और रात को कहीं जाना पॉसिबल नहीं होता है, रात को कहीं किसे कहाँ ही ले जा सकते हैं घुमाने के लिए, और दिन में इतनी गर्मी है कि नहीं जा पाते। और ये वाला संडे भी ऐसी रहा, सनी मैं अमन और ये आकाश, चारों बंदे हम ये सोच के आए थे कि डिस्कस करेंगे कहाँ जाना है क्या करना है, पर फालतू की बातचीत और काम धंधे में इतने लगे रहे कि सामान खरीदने में इतने बिजी थे कुछ भी नहीं कर पाए। अब ये भी डिस्कस नहीं हुआ कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और दिन निकल गया। तो उस जगह पे भाई को नहीं लेके कैसे जाता फिर, इसीलिए क्या करे, फंस गया हो यार। पर गर्मियों में इन पेड़ों पे देखो फूल कितने प्यारे प्यारे लगे, येलो कलर के। थोड़ा मौसम ठंडा होता तो रुक रहा के एक आधे फोटो वाटो भी ली जा सकती थी, पर इतनी गर्मी है कि भाई रुकना तो ऐसा लगता है बस अभी जल जाएंगे रुकते, इससे अच्छा बाइक चलाते रहो, हवा लगती रहेगी, बेशक गर्म लगे पर लगे रही है।